यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से माँ गंगा यमुना और भगवान बद्री विशाल की ओर से प्रणाम करता हूँ कि आज के इस शुभ दिन पर पिछले 4 दशकों से हम लोगों ने उफरैंखाल नाम की एक छोटी सी जगह पर लोगों के साथ मिलजुल करके बहुत ही घरेलू ढंग से पानी और जंगल का जो काम किया, आज पांचजन्य परिवार ने उस काम को जो प्यार और आदर दिया, उसने इसे न जाने कितना गुना फैला दिया है। आज से पहले यहाँ पर उपस्थित आप में से बहुत अधिक लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने कभी उफरैंखाल का नाम सुना तक न होगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पांचजन्य की कृपा दृष्टि है कि उन्होंने हमारा नाच भी देखा और काम भी देखा। यहाँ पर आदरणीय उमेंद्र दत्त जी ने बड़ा परिचय और उससे पहले पांचजन्य परिवार ने बहुत बड़े परिचय के साथ हमारे इस कार्य को जो आदर दिया, तो मुझे केवल धन्यवाद के सिवाय और कुछ कहने को होता नहीं। परंतु चूंकि एक सेशन है और उसमें बात रखनी है कि एक कार्य जो उफरैंखाल का 4 दशकों से लोग जिसमें जुड़े हैं कर रहे हैं, उसकी कहानी को कहने का एक अवसर है, पर मैं उस कहानी को कहने में उतनी रुचि मुझे है ही है, लेकिन जो एक छोटी सी बात जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं वो ये है, जो अभी आपने भी पूछा कि कैसे आपने पहले कदम उठाया। तो जिस मुल्क में मैं ये काम हुआ उफरैंखाल में, उसके आसपास जितने भी गांव थे वहां पर पहले जंगल की बड़ी समस्या थी और जंगल से जुड़ा हुआ जीवन था। यानी जंगल से जुड़ा हुआ जीवन माने जंगल से सूखी लकड़ी लाना, उसमें भोजन बनाना। मेरे घर का जो भोजन था वो भी खुद सूखी लकड़ियों से बनता था। मेरे साथ आए हुए यहाँ पर बहुत से जो उफरैंखाल से आए हुए 4-5 साथी हैं, सारे इलाके का भोजन जंगल की लकड़ियों से ही बनता था। और लकड़ी टीपने का काम माँ बहनें करती थी, या छोटे बच्चे जैसे बचपन में मेरी माँ भी जंगल जाती थी, मैं भी साथ में जाता था और लकड़ी का गट्टर सिर में लेकर आते थे। तो इसी तरह से घास जंगल से आती थी, जानवरों के नीचे सूखी पत्ती बिछाने के लिए जंगल से मिलती थी, घर बनाने के लिए जंगल की लकड़ी प्रयुक्त होती थी। और हमारे यहाँ कुछ प्रकार की सब्जियाँ होती हैं जो 2-3 महीने का काम चलाती हैं जंगलों से, तो वो भी जंगल से हम लोग लाते थे। तो जिस गांव का अपना जंगल नहीं है, उस गांव की माँ बहनें दूसरे के जंगल में जाती थी और वहाँ वो उनकी कृपा दृष्टि पर निर्भर होती थी। और कभी कभी वो उनकी दरांती छीन लेना, ये करना, इस तरह के अपमान भी होता था। तो जब हम लौटे तो हमने जंगल बनाने के काम को शुरू किया और माँ बहनों के साथ मिलकर के महिला मंगल दल बनाए और कहा कि भाई अगर हर गांव का अपना जंगल होगा तो हर गांव का अपना स्वाभिमान होगा और स्वालंबन होगा। तो चूंकि भुक्त भोगी थे सब लोग, उस पीड़ा को भोग रहे थे, तो बहुत जल्दी माँ बहनें इसमें जुड़ गई और छोटे छोटे टुकड़ों पर जंगल बनाने का काम शुरू हुआ और ऐसे पेड़ लगाने शुरू किए जो उनकी आवश्यकता के थे, जैसे बांज है, बुरांस है, जो गहरी जड़ वाले होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं, जो पानी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, इस तरह के पत्तियों का रोपण शुरू किया। तो ये काम शुरू हुआ और ये सिलसिला चल पड़ा। इसके लिए एक पद्धति अपनाई, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत कम बोलना है, तो ये एक बहुत बड़ा पद्धति अपनाई कि किस तरह से हम लोगों से जुड़ते चले जाएँ, मिलते चले जाएँ, उनके बीच में रहना। और चूंकि मैं उस काम को कर रहा था
तो सामाजिक जीवन में एक आदर्श जो हम हमारी सनातन में है, जो हमारी अपनी हिंदू पद्धति में है, एक आदर्श व्यक्तित्व का होना कि जैसे बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं, किसी को धोखाबाजी नहीं, किसी तरह का कोई लांछन उसके ऊपर दिखना ही नहीं चाहिए। जरा सी चूक में आदमी कहां से कहां चला फिसल जाएगा। सामाजिक जीवन में इस बात का गहरा ख्याल होना ही चाहिए। तो ये चीजें तो अपने अंदर होनी ही चाहिए, और इसके ताकि भरोसा कर सके वो समाज आपके ऊपर, पूर्ण भरोसा कर सके कि ये जो लोग हैं ये हमारे आदर्श लोग हैं। तो इस तरह से ये काम फैला, और 87 में एक बड़ा सूखा आया, उसमें हमारे पेड़ भी कुछ सूखे, और पेड़ों को बचाने के लिए हमने ये पद्धति अपनाई कि छोटे छोटे पानी के तालाब बनाए जाएं, छोटे छोटे गड्ढे, और उन गड्ढों में से पेड़ को जिंदा रखा जाए। तो पेड़ में कुछ दिन अपने आप भी जिंदा रहने की ताकत होती है, 50-60 दिन, और अगर उसके पास हमने 1.5 वर्ग फीट का कोई गड्ढा बना दिया तो वो कुछ और दिन भी जिंदा रह जाता है। बाद के दिनों में पानी की कुछ परंपराओं को समझने का अवसर पूरे देश में मिला, और देश के को देखने और समझने के बाद मुझे लगा कि हमारे देश में पानी को बचाने की कितनी भव्य परंपराएं थी। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे उड़ीसा का इलाका हो, चाहे कोई महाराष्ट्र का इलाका हो, सभी जगह पानी को बचाने की बहुत भव्य परंपराएं रही हैं। और तब हमारा ध्यान लौटा कि हमारे उत्तराखंड में भी पानी का काम था कि नहीं। पता चला कि 200-250 साल पहले हमारे उत्तराखंड में भी पानी को बचाने के लिए समाज ने कुछ पद्धतियां अपनाई थी, और उसे चाल खाल कहते थे। चाल खाल, चाल खाल का मतलब है कि 30-32 कदम लंबी, 30-32 कदम चौड़ी, 2-3 कदम गहरी अगर हम एक खाई बना दें तो उसको चाल या खाल कहते हैं, जिसमें बरखा का पानी जमा हो जाता है और वो ऊंचाई पर बनती थी और वो पानी धीरे धीरे नीचे आ जाता है। इसी चाल खाल की पद्धति को हमने थोड़ा अपने तरीके से जोड़ करके 1 वर्ग मीटर या 2 वर्ग घन मीटर की छोटी छोटी खाइयां बनानी शुरू की, गड्ढे बनाने शुरू किए, और उनको नाम दिया जल तलैया। एक उफरैंखाल की सूखी पहाड़ी पर यह जल तलैया बनी, और उस पर 1500-1600 जल तलैया जब शुरू शुरू में बनी तो उसके बाद क्या हुआ कि एक आश्चर्यजनक घटना घटी। पेड़ भी लगा रहे थे और पानी के तालाब भी बना रहे थे, तो क्या हुआ कि 89 से काम शुरू हुआ और 99 में वो जो सूखा रौला था उसमें हमेशा पानी रहने लग गया। और जब वो पूरा साल भर पानी उसमें रहने लग गया तो हम बहुत खुश हो गए कि इसमें भले ही उसमें बहुत कम पानी उसमें था, लगभग मतलब ठेठ जून और दिसंबर के महीने में करीब 3 LPM पानी यानी 3 लीटर प्रति मिनट का बहाव था, अब तो उसमें बहुत ज्यादा आया पानी। अब जब ये पानी रहने लग गया तो इसकी एक छोटी सी खबर बनाई गई, और उस खबर के आधार पर उस जमाने के अखबारों को भी सब लोग पढ़ते थे, और उस खबर के आधार पर जो था वहाँ FAO की टीम आई, जो उमेंद्र दत्त जी ने कहा। और FAO की टीम के आने के बाद जैसे कि उन्होंने कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ का प्रस्ताव दिया, और हमने उनको हाथ जोड़े कि आपने इस काम को जो आदर प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन भाई इतने पैसे का हम लोग क्या करेंगे, अपना छोटा सा काम है और ये प्यार का काम है और इसको ऐसे ही चलना है। ये खबर भी फिर किसी अखबार में छपी, और वो अखबार की उसी खबर को परम पूजनीय सर संचालक जी को इन लोगों ने पढ़ाया। और उन दिनों इनका आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी जागरण आंदोलन, कि स्वदेशी वस्तुएं लेने के ऊपर। और उन्हें कहा यार ऐसे भी अपने देश में लोग हैं कि जो वर्ल्ड बैंक का 1000 करोड़ सीधे ही लौटा दे रहे हैं, तो ये इनके काम को देखना चाहिए। अच्छा, जब सर संचालक जी का नाम वहां पर आया, मैं सर संचालक जी की आने की घटना को सुनाने में रुचि रख रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं उस घटना को सुनाने में बड़ी रुचि रखता हूं। अब जब उनका कार्यक्रम वहां लगा तो कई तरह के लोग आए कि भाई तुम्हारे पास कहां से उनका नाम आया, तुम उनको कैसे जानते हो, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, और यहाँ किस काम को देखने वो आए हैं। बाद में जब 6-7 बार इस तरह की इंक्वायरियाँ हुई तब बाद में एक टीम में आखिर में फाइनल जो टीम हुई थी उसमें उमेंद्र दत्त जी और हितेश जी और ये सिरोही जी, ये तीन लोग भाग्य बसात आज यहाँ पर हैं, ये लोग वहाँ पहुँचे थे। हितेश जी तब पढ़ते थे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे,
और उमेंद्र जी जो थे ये स्वदेशी जागरण मंच के सक्रिय व्यक्ति थे। तो ये उस समय का दौर था और ये आए, इन लोगों ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि उनके आने का ये कार्यक्रम है और ये इसलिए पूछा जा रहा था तुम लोगों से कि कभी कभी भाव भावेश में आकर के या कार्यक्रम लग जाते हैं लेकिन उस उनकी गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम न होने से सब पर बड़ा असर आता है। तीन दिन उनका जब वो आए तो क्या हुआ कि इलाके में कुछ काम ऐसे थे हमारे इलाके की, दो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को मिलाकर के उत्तराखंड बनता है, तो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कारण हमारी उफरैंखाल की सड़क 27 सालों से अटकी हुई थी। तो उस समय बीजेपी की सरकार थी वहां पर उत्तराखंड में भी और देश में भी बीजेपी की सरकार थी। अच्छा, हमें पता ही नहीं था कि बीजेपी की सरकारें सरसंघचालक जी के आगे इस तरह से नतमस्तक रहती हैं। और हमने कहा कि भाई, उन्होंने कहा भाई हमारे लायक कोई काम बताओ, तो हमने कहा हमारी सड़क खोल दो। और वो सड़क के लिए उन्होंने पूरे दो एसडीएम बिठा करके, पूरी बटालियन की तरह लोग लगा करके 27 साल की अटकी हुई सड़क 14 दिन में क्लियर। अब वो जब सड़क खुल गई तो लोगों को लगा कि उसी साल क्लिंटन भी आए थे भारत में, लोगों ने कहा हमारे ये क्लिंटन से भी बड़े आदमी आ रहे हैं, कोई कौन है ये, इतनी बड़ी सड़क खुल गई हमारी। अब क्या हुआ कि वहां लोग, हमने कहा भाई वो कोई महात्मा है और वो आ रहे हैं। अब उनके स्वागत के लिए, ये 6-7-8 अप्रैल की घटना है 2000 की, सन 2000 की 6 अप्रैल को वो रात को पहुंचे। अब प्रोटोकॉल पता नहीं क्या क्या था कि ये जो सरसंघचालक जो होते हैं इनके साथ बहुत सारे वो होते हैं ना, तो वहाँ उस तरह का। अब जब लोग आ गए वहाँ, करीब 2-2.5 हजार लोग रात के 8 बजे पहुँच गए पहाड़ों की ठंड में और गाजे बाजे के साथ, तो जहाँ उनको उतरना था उससे 2 किलोमीटर पहले ही लोगों ने उतार दिया उनको और कंधे में बिठा के ले आए और वहाँ से उनका नाम लेकर के कि सुदर्शन जी महाराज की जय हो, सुदर्शन जी महाराज की जय हो। अब जो वहाँ पर और लोग थे, जो संघ के लोग थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, भारत माता की जय बोलो। उन्होंने कहा हम भारत माता की जय भी बोलेंगे लेकिन इनकी जय क्यों नहीं बोलेंगे, हमारी सड़क खुली है। और ये हुआ तो सर संघचालक जी ने तब कहा, उन्होंने कहा देखो ये अपने लोग हैं, अपना समाज है, इनका अपना प्यार है, इनको बोलने दो। याद है आपको भाई साहब? और कितने इतने खुश हुए कि रात के 11 बजे तक लोगों के बीच बैठे रहे वो। हाँ, रात के 11 बजे तक लोगों के बीच बैठे रहे और मंडवे की रोटियां और मंडवे का हलवा बना रखा था। उन्होंने कहा मैं बाहर ही खाऊंगा, जबकि वो बाहर पाला पड़ रहा था पहाड़ के, 7000 फीट की ऊंचाई की ये घटना है। तो इस तरह का एक अद्भुत समा बंधा और पूरे 3 दिन वहां पर रहे। वो एक पूरे 40 से अधिक गांव में गए और जो इलाका, जो हमने जो 8 किलोमीटर का इलाका, 800 वर्ग क्षेत्रफल का इलाका था, उसका एक बहुत बड़ा इलाका उन्होंने देखा लगभग 8 हेक्टेयर का, जिसमें खुद पैदल गए, जिसे अब हम उन्हीं के नाम से सुदर्शन वन के नाम से जानते हैं। और उसमें 2000 देवदार के पेड़ लगाए गए थे, उनके लगाया हुआ पेड़ अब बहुत बड़ा हो गया। तो ये एक ऐसी घटना घटी कि उसके बाद पूरे देश में इस काम की हलचल गई और लोगों में एक संदेश गया कि आखिर इतने बड़े संगठन के इतने शिखर पुरुष जहां 3 दिन रहे हों वहां कुछ ना कुछ तो है। और तब से दुनिया के बहुत से देशों के लोग वहां पर आए, अपने देश के तो कई यूनिवर्सिटियों के लोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग तो हर साल जाते हैं, कभी 100 विद्यार्थी, कभी 150 विद्यार्थी JNU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उफरैंखाल पहुंचते ही हैं। कुछ लड़के अभी भी रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और इस साल एक जबरदस्त घटना ये घटी उतने सालों बाद कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस काम को मन की बात में करीब 2.25 मिनट तक उफरैंखाल का जिक्र करके आदर दिया गया। और उसके बाद की ये घटना घटी कि पांचजन्य जैसे महान अखबार ने, महान पत्रिका ने, जिसके साथ कि न जाने कितने स्वयंसेवकों के प्राण जुड़े हैं, आत्मा जुड़ी है, उस महान पत्रिका ने आज अपनी आत्मा से
हमको ये आशीर्वाद दिया। मैं पांचजन्य परिवार का, आप सभी लोगों का उफरैंखाल की ओर से और देवभूमि की ओर से एक बार फिर से इस काम के लिहाज से, आदर और प्यार के लिहाज से आभार प्रकट करता हूँ। सच्चिदानंद जी, एक सवाल मेरे मन में आया जब मैं सुन रही थी कि आप कहीं से भी फंडिंग आती है मना कर देते हैं सब जगह से, लेकिन इसका एक सोचने का तरीका ये भी तो हो सकता है कि इतने, जैसे एनजीओ की बात उमेश जी कर रहे थे, बहुत जगह भ्रष्टाचार में सब पैसा आता है, ग्रांट्स आती हैं, वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। अच्छा है ना कि पैसा आप जैसे लोगों के हाथ में आए तो उसका सदुपयोग होगा। तो एक सोच कभी आपके मन में ये नहीं आई कि कम से कम एक यकीन तो, एक विश्वास बैठेगा कि आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा इस्तेमाल करेंगे, भ्रष्टाचारियों के हाथ में जाने से बचेगा? ऐसे देखो, एक दो दो बातें हैं। एक तो एनजीओ ये एक अलग, क्योंकि इतना मुझे बोलना नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो अगर एनजीओ नए लड़के एनजीओ में काम करते हैं, जो हमारे आईआईटीएन हैं, आईआईएम से आए हुए हैं, बहुत ही एजुकेटेड लड़के हैं, प्रोफेशनली कुछ काम करते हैं, इनको एक विधिवत तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से सेक्टर कार्य करना चाहिए और इनको फंड में जाना चाहिए। लेकिन जो हम लोग हैं जिन्होंने हमने सेवा के रूप में इस काम को लिया और हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, माने आप फंड लेंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल, इससे अधिक तो नहीं देगा कोई आपको फंड, और फंड भी आप कितना लेंगे आखिर, कोई आप पूरी गवर्नमेंट थोड़ी है, सरकार की तरह फंड तो नहीं आएगा ना आपके पास, कुछ सीमाएं तो होगी उसकी। तो फिर एक फंड के बाद जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म होता है, फिर आपका काम वहां रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि लोगों को आपने एक प्रोजेक्ट की तरह जोड़ा, तो प्रोजेक्ट की तरह जोड़ा तो प्रोजेक्ट गया और काम भी गया। हमने लोगों को प्यार की तरह जोड़ा या लोगों से जोड़े, तो आज 40 साल बाद मैं यहां हूं, मैं कल हूं या नहीं हूं, लेकिन काम तो वहां है। अगर आज 40,000 जल तलैया वहां पर हैं और किसी में आपको एक माचिस की तीली भी नहीं मिलती, तो उनकी सफाई में ही कितने कार्यकर्ता लगाने पड़ते। देखिए, जो लोग जाते हैं इसीलिए वहां खुश होते हैं कि वाकई में इसमें लोगों का प्यार है, लोग अपने हृदय से जुड़े हैं। उनकी 7 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ग्राम देवता के रूप में उनकी सफाई करते हैं, उनको देखते हैं, उनको संभालते हैं। तो पैसा लेना बहुत ठीक है, और नई पीढ़ी के लिए ये मेरे जीवन का कोई संदेश नहीं है कि साहब मेरी तरह हर कोई इस तरह के संघर्षों में जाए। नई पीढ़ी, मैं तो चाहता हूँ कि बहुत प्रोफेशनल लड़के आए, बहुत अच्छे ढंग से काम करें और बिल्कुल विधिवत तरीके से वो करें ये। लेकिन ये जो काम होता है ये उनके लिए इस रूप में प्रेरणादायी हो सकता है कि जो काम, जो आज हम कहते हैं कि एक, पहले हमारे माननीय गोपाल आर्य जी से भी पूछा गया था कि भाई विकास और विनाश में हम ऐसा, केदारनाथ जी की बात आई थी ना कि 2013 की 15-16 जून को जो केदारनाथ जी में घटना घटी, कि हम ऐसा विकास का रास्ता और विनाश का रास्ता, तो अब विनाश रहित विकास, विनाश रहित विकास या न्यूनतम विनाश अधिकतम विकास, माने ये। तो ये जब बारिश आई केदारनाथ जी में आई और उतनी ही ठीक उसी पहाड़ के इस तरफ उफरैंखाल है, वहां भी तो आई। ये थोड़ी कि केदारनाथ जी के लिए बादल गया और हमारे लिए बादल आया ही नहीं, बादल दोनों को ओर तो बरखा हो, लेकिन केदारनाथ जी में तबाही हुई और उफरैंखाल की एक फुट जमीन भी नहीं बही, क्योंकि उफरैंखाल में 40 साल से जमीन को बचाने की तैयारी चल रही थी और केदारनाथ जी में 40-50 साल से उस तरह के विकास की तैयारी चल रही थी। तो वो उस विकास ने वहाँ वो परिणाम भोगा और इस विकास ने यहाँ ये राह दिखाई। लेकिन विकास की और पर्यावरण की ये लड़ाई तो हमेशा चलती रहती है। सड़कें बनाने के लिए जब कहा जाता है सड़कें जरूरी हैं, लेकिन फिर पेड़ काटे जाते हैं। अब आप जैसे लोग जो पेड़ लगाते हैं वो समझ सकते हैं जब वो पेड़ काटे जाते हैं तो वो दर्द क्या होता है। तो कभी इस स्थिति में भी आप पड़ते हैं कभी कि आपको लगता है कि ये पेड़ काटने से बचाना है, रोकना है इसको? मेरा ये सोचना है कि देखो, मनुष्य के लिए मतलब पेड़ भी तो मनुष्य के लिए है,
पेड़ तो है ही मनुष्य के लिए ना, तो अगर कहीं पर बहुत ही आवश्यक है कि भाई एक सड़क है और सड़क एक पेड़ के कारण या कुछ के कारण नहीं बन रही, तो पेड़ तो सड़क तो आवश्यक है। पांच पेड़ या सात पेड़ या दस पेड़ लगाने का प्राविधान भी रहता है हमारे आगे, हालांकि इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं आई कभी नहीं। और चूंकि पता नहीं प्रकृति क्या करती है कि हमको ऐसी चीजों से हमेशा बचाती भी रही है, हम कभी संघर्ष में गए ही नहीं। और कभी शुरुआत जबकि हमने संघर्ष से करी, दूधा टोली में जंगल कट रहा था सरकार का, उसमें 70,000 रागा के पेड़ों को कटना था, और वन निगम के वहां पर 400 से अधिक लेबर पहुंच गए थे, और तब हमने वहां से काम शुरू किया था और वो कटान रुकी थी। वहां से लोगों का भरोसा पैदा हुआ था कि भाई ये लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कभी संघर्ष टकराव की स्थिति नहीं आई। टकराव की स्थिति का तो कोई अर्थ ज्यादा होता नहीं है, यदि आप पवित्र भाव से काम कर रहे हो तो मेरे समझ से सामने वाले लोग स्वतः ही समझ जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने अपने क्षेत्र में जो जितना काम किया, आपको लगता है कि क्या आप देश के दूसरे इलाकों में भी कभी जाने का सोचा, वहां पर भी इस तरह का सेम आपका मॉडल आप दूसरी जगहों पर करें, इस तरह का कभी विचार आया? अभी क्या है कि जो मूलतः जो हिमालयी राज्य हैं, तो शिलोंग में पिछली बार मुझे एक किसी कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर हुआ था, तो वहां पर वहां के लोगों ने जब ये जलतलिया देखी, ये छोटी छोटी, इससे भी छोटी आकार के है ना जलतलिया, आपने देखी होगी, ये तो चाल खाल है जो ऊंचाई पर बनी है, तो वो उन्होंने कहा कि ये आसाम के जो चाय के बागान हैं, अब आसाम में और उस इलाके में भी पानी के पहले के जैसे बरखा के दिन नहीं रही, बरखा भी वहाँ अब घट रही है, तो उन्होंने कहा कि जो चाय के बगीचे हैं उनके बीच में अगर ऐसे छोटे छोटे जल तलाय हम बना देंगे तो इससे इन बगीचों को लाभ होगा। और हिमाचल में तो बगीचों के भीतर वो जो सेब के उद्यान हैं, दूसरे उद्यान हैं, लोगों ने इस तरह की जल तलाय बनानी शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड के तो बहुत से हिस्सों में बनी हैं, लेकिन हिमाचल में भी इस तरह का काम शुरू हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ कुछ जो दुनिया के पहाड़ी हिस्से हैं उन हिस्सों में भी लोगों ने इस तरह की जल तलायों को बनाकर अपने स्रोत ठीक किए हैं। मुझे इस नाम लेने में कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब दुनिया के या धरती के किसी भी पर्वतीय हिस्से में जो जिसमें 60 डिग्री से कम का ढाल हो, इस तरह की अगर आप जल तलाया बनाते हैं जो कढ़ाई नुमा हो, जैसे बड़े बड़े उसमें गुरुद्वारों में मंदिरों में आपने देखा होगा कि कढ़ाई होती है, तो ये जल तलैया 1 मीटर 1.5 मीटर घन मीटर की, तो ये न तो टूटती है न कोई नुकसान करती है, इसमें कितना ही पानी गिर जाए ये बिल्कुल स्थिर रहती है। 60 डिग्री से अधिक का ढाल का अगर पहाड़ है तो उस पर इस तरह की जल तलैया नहीं बनानी चाहिए। चलिए, मुझे लगता है आपसे मैं घंटों बातें कर सकती हूँ, तो शायद कभी मुलाकात करने आपके क्षेत्र में आऊंगी। चलते चलते आज हम इतना पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हम सब लोग अगर हम एक बेसिक क्या एक कदम उठा सकते हैं पर्यावरण संरक्षण की ओर, आप क्या संदेश हम सबको देकर जाना चाहेंगे? वो तो ये है हमारी जल तलाय जो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की छोटी 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 जल तलाय का ये तो ये अगर ये अगर हम इनको जितनी बड़ी मात्रा में बनाएंगे तो पहाड़ का उतने ही नीचे जल स्रोत स्थिर रहेगा। आज जो गार्ड दिल्ली में तो एक बारिश में ऐसी तलाइयां सब जगह पूरी दिल्ली में बन जाती हैं, एक बारिश हो जाए बस। हाँ, बारिश हो क्या, मैं बोल रही हूँ दिल्ली में तो ऐसी तलाइयां वैसी बन जाती हैं हमारे यहाँ एक बारिश में सड़कों पे। तो ये माननीय जो अपने गोपाल आर्य जी हैं, उन्होंने तो कहा ही है कि भाई हमें हर घर अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने घर को तो ठीक कर नहीं रहा हूँ और सारे देश की और दुनिया की चिंता को सिर में बिठा के चल रहा हूँ। मेरा घर अगर इस तरह से लगे कि मेरा कोई मित्र, मेरा कोई पड़ोसी मेरे घर में आए तो उसे लगे कि सचमुच इसने एक एनवायरमेंटल हाउस इसने बनाया हुआ है, इसके घर में इस तरह का वातावरण है कि जिसको देख करके लगता है कि ये प्रकृति के साथ
जीवन जी रहा है, अधिकतम प्रकृति के साथ जीवन जी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सच्चिदानंद जी। मैं बहुत धन्यवाद आप सबका, प्रणाम आप सब लोगों का। अगर अगर ये सेशन क्वेश्चन आंसर के लिए होता तो आखिर में एक शब्द है कि एक शब्द सिर्फ यहाँ पर उपस्थित लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप में से जिस किसी जिन किन्हीं भाई भाइयों को बहनों को जब कभी मौका हो तो आप देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर आए और उफरैंखाल की यात्रा को जरूर करें। आप सादर आमंत्रित हैं और अपना प्यार हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद।